तो भैया हॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा में जंग छिड़ चुकी है कि कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज के सवाल में होगा कि पुष्पा और स्पाइडरमैन नो वे होम में जीतने कौन वाला। स्पाइडरमैन नो वे होम इसलिए एक दिन पीछे खींच ली गई है, लेकिन कैसे हम कह सकते हैं कि कौन जीतेगा? और स्पाइडरमैन नो वे होम की टिकट है बुकिंग आखिर इंडिया में कहाँ कहाँ शुरू हुई है, किस किस भाषाओं में शुरू हुई है, और शुरू होने के बाद के कांड क्या क्या हुए हैं? यार इंट्रो लगाओ भाई। तो आप अगर फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा, जो वो पूछना नहीं चाहते कि पुष्पा और नोवे होम में से जीतेगा कौन, तो उसी का डेटा आज लेकर एक ही जगह का डेटा है। तो आप देख सकते हैं बुक माई शो पर आई एम इंटरेस्टेड में 5 लाख लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं स्पाइडरमैन नोवे होम के लिए। वहीं अगले ही दिन एक दो हफ्ते के गैप पर भी रिलीज नहीं होने वाली अल्लू अर्जुन की एज अ कम बैक मूवी भी ले सकते हैं पुष्पा द राइजिंग, जो कि पैन इंडिया हर एक भाषाओं में रिलीज हो रही है, उसके लिए 2.5 लाख ने आई एम इंटरेस्टेड बटन दबाया है। तो आप देख सकते हैं कि 50% की गिरावट आ जाती है स्पाइडरमैन नो वे होम और उसके पुष्पा के बीच में इंटरेस्टेड लोगों में। और आप ये सोचिए कि अगले ही दिन बड़ी मूवीज, दो बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है, कि एक दो हफ्ते का गैप भी नहीं है कि इंटरेस्टेड लोग जो है आगे चल के लगा देंगे अपना इंटरेस्टेड वाला, अगले ही दिन रिलीज हो रही है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से बाजी कौन मारेगा, तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम बाजी मार ले गया है। लेकिन देखो मूवी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्पाइडरमैन नो वे होम ने मार ली। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि टिकट बुकिंग पैन इंडिया कब से शुरू हो रही है, जहां पे चुकी है वहां पे से रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो अगर आप पिंक विला की खबर के अनुसार ये देखें तो केरला और कोलकाता में बुकिंग शुरू हो चुकी है, हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु 3D और IMAX के लिए भी टिकट खोल चुके हैं। तो अगर आप केरला और कोलकाता साइड में है तो बुक माई शो या पेटीएम से आप बुक भी कर सकते हैं। और वहीं पिंक मिला की इस खबर के अनुसार कि केरला में और त्रिवेंद्रम कलिकट में जो है इतने सारे टिकट मिनटों में ही बिक रहे हैं कि जो सुबह शो 6 या 9 बजे से शुरू होते थे वो 5 बजे तक खींच दिए गए, यानी कि सुबह 5 बजे से ही शोज भरे मिलेंगे आपको। टिकट जो है अगर सिनेमा हॉल 50% के वो पॉपुलेशन के हिसाब से खुल रहा है तो आपको देखने को बहुत मुश्किल हो सकती है। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो 80% टिकट जो है मिनटों में सोल्ड हो गए, 6,500 टिकट कुल सिनेमा से बिक गए, जो कि 17.5 लाख रुपए हो गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके इलाकों में टिकट की बुकिंग कब से शुरू हो रही है। तो अगर आप देखें तो सिनेमा हॉल अपने इलाकों का भी जानकारी रखते हैं कि लोग कौन सी मूवी देखना चाहते हैं, उसी हिसाब से 2 से 3 दिन पहले यानी कि 16 से 2 से 3 दिन पहले आपके इलाके में टिकट की बुकिंग शुरू हो सकती है। तो अगर आप बुक माई शो का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी करिए, नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिए पर्सनलाइज नोटिफिकेशन, ताकि जब भी शुरू हो आप आ जाए, वरना जो भीड़ लगेगी आपके इलाके में आप नहीं देख पाएंगे नो वे होम फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए, तो भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल कि स्पॉइलर से बचा कैसे जाए। तो आपको सोशल मीडिया ध्यान से चलाना है, या कहें कि कई लोग ने सोशल मीडिया छोड़ ही इसलिए दिया है 10 दिसंबर से ही कि उनको स्पॉइलर नहीं मिलना चाहिए। इतनी बड़ी मूवी की कहानी अगर थोड़ी सी भी मालूम हो गई तो क्या होगा? तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 13 को इस मूवी का ग्रैंड प्रीमियर है, जिसमें क्रिटिक्स को केवल इसके 40 मिनट ही दिखाए जाएंगे, और वहीं से आपको स्पॉइलर और रिव्यूज़ ऐसे मिलने लगेंगे, ऐसे लीक्स होने लगेंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पूरी पिक्चर ही कब लीक हो गई। और अगर वही ग्रैंड प्रीमियर में मूवी के सारे एक्टर लोग आते हैं, और अगर आपको 2 लोग आते और मुंह छुपाते हुए दिखे कुछ इस तरह से ना सरदार खान की तरह, तो समझ जाना ये टोबे मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड ही होंगे और कोई भी नहीं। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, कहीं भी आपको स्पाइडरमैन की मतलब फोटो दिखे ना कोई भी पोस्ट, तो उस पर से वही कह देना बाय बाय टाटा गुड बाय गया। यारो ये था वीडियो। वीडियो में कुछ भी नया लगा हो या वीडियो ही पूरा नया लगा हो या वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो देखकर, मज़ा आया हो, तो इस लाइक तो मार ही देना इस वीडियो को, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर। चैनल पर कूदते फांदते कहीं से भी नया आ गया तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, बगल में नोटिफिकेशन है ऑल पर दबा देना, ताकि इस चैनल को आप भी भरपूर सपोर्ट करें उन लोगों की तरह जिन्होंने इस चैनल को पहले से ही सपोर्ट कर रखा है। नीचे मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो यार मैं वहाँ इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगा आपको, लिंक जो है नीचे ही है, ठीक है? और वहाँ इंस्टाग्राम में थोड़ी सी अलग चीज़ें करता हूँ YouTube से अलग, और गलत मत समझना मैं TikTok डांसेस बिल्कुल नहीं करता, ठीक है? ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ स्पॉइलर से बच कर रहें और सोशल मीडिया ऐसे चलाएं जैसे कुछ देखा ही नहीं आपने। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।